हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कढ़ाही पनीर और मैं आपसे रेसिपी शेयर करूंगी। तो कढ़ाही पनीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है ऑयल, और मैंने दो प्याज क्यूब शेप में काटे हैं और एक बड़ी शिमला मिर्च, वो भी क्यूब शेप में काटी है। अब मैं इनको फ्राई कर लूंगी। बस इनको हल्का सा ही फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इनका कलर चेंज नहीं करना, बस हल्का सा। जब ये थोड़ा सा इनका चेंज हो जाएगा कलर, तब निकाल लेना है। कढ़ाही पनीर की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, जैसे कोई ओकेजन है घर में, कोई जैसे हम कुछ सेलिब्रेशन करते हैं तो फिर ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। बस मैंने इतने से इनको फ्राई किया है, मैं इनको निकाल के रख लूँगी। अब मैंने दो प्याज ऐसे बारीक चॉप किए हैं, दो टमाटर, मिर्ची, अदरक और लहसुन, इन सब मसाले को मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी, मसाले मैं उतने ही ऐड करूँगी जितने की, क्योंकि बाद में भी करने हैं। तो मैंने छोटा चम्मच लिया है, एक छोटा चम्मच नमक, एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च इसमें ज़रूर डालनी चाहिए, एक लाल मिर्च पाउडर चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच हल्दी पाउडर। बस इस मसाले को भी ज़्यादा नहीं भूनना, बस हल्का सा, जब ये हल्का सा ब्राउनिश हो जाएगा इसको निकाल लेना है। इसमें मैंने टमाटर जो रेड कलर के होते हैं वो यूज़ किए हैं, और कश्मीरी लाल मिर्च भी, ताकि इसका कलर अच्छा आए सब्ज़ी का। मसाले आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, जितने भी आपको आप खाते हो। अब मैं इसको, जो मसाला है बस हल्का सा हो गया, मैं इसको निकाल रही हूँ। मैं इस मसाला निकाल रही हूँ और इसका ऑयल भी थोड़ा सा निकाल लूँगी, क्योंकि इसी में मैं तड़का लगाऊंगी। अब मैंने उसको ठंडा होने के लिए रख दिया है, सारी जो सब्जियाँ हैं, फिर उसको ग्राइंड में ग्राइंड करना है। अब मैंने वही ऑयल लिया जो बचा था, उसमें मैंने डाला है जीरा 1 चम्मच, 1/4 चम्मच हींग, 2 सूखी लाल मिर्च, तेज पत्ता, धनिया के बीज और काली मिर्च। आप इसमें लौंग और भी खड़े मसाले जो भी होते हैं आप यूज़ कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इन मसालों को मैं अच्छे से भून लिया है। अब ये जो मसाला है ठंडा हो गया है, अब मैंने इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है जो मैंने पहले फ्राई किया था। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी, पर पहले भी डाले थे उसके अकॉर्डिंग मैं बहुत कम, आधा चम्मच मैंने लिया है नमक, आधा चम्मच मैंने लिया है लाल कश्मीरी मिर्च, गरम मसाला 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच मैंने डाली है हल्दी, क्योंकि मैंने सारे मसाले पहले भी ऐड कर दिए हैं। अब मैं इस मसाले को 5 से 10 मिनट तक पकाऊंगी। जब ये पक गया है तब मैं इसमें डाल दिया है जो मैंने क्यूब शेप में प्याज और शिमला मिर्च फ्राई किए थे। अब इसको पकाऊंगी, ये थोड़ा सा मसाला ड्राई सा हो जाए, ये देखो ड्राई होने लग गया ये। अब मैंने जो पनीर है वो भी क्यूब शेप में काटे हैं, थोड़े बड़े साइज में, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी वो, ये 250 ग्राम था पनीर। अब इसको अच्छे से मिक्स करके इसको 5 मिनट ऐसे पकने दूंगी लो फ्लेम पे। अब देखो ये हमारा कढ़ाही पनीर हो गया है तैयार, और ये है इसकी फाइनल लुक।
आई होप यू लाइक दिस रेसिपी. प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. और प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय. टेक केयर.